मार्केटिंग का जलवा, टाई आ गई है, सूट भी आ जाएगा, बस दो बंदे जुड़ जाएं उससे। हेलो हेलो, अरे सोनू हम बात कर रहे हैं जय। देखो साफ बात है, हम उधार नहीं दे पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। अरे हमको पैसा नहीं चाहिए, ये बताओ कर का रहे हो? एक दिन अचानक से पैदा हुए और जब से खाली बैठे। अब हम अगले साल ना BMW कार लेंगे तो आप हमसे चलना नहीं। अरे बढ़िया, किसके कोठे पे नाच रहे हो आजकल? बदतमीजी ना करो, 40 दिन का चिल्ला करा है हमने अंकित सर के सेमिनार का, फिर जाके नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली ना, फंस गई रजिया गुंडों में। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे ये वही छिनाल काम है ना, अपने नीचे दो आदमी जोड़ो। हाँ क्यों? अरे आज का इंसान तो अपने बाप का कहीं ना नहीं मान रहा, ये कुत्तों की लेड़ी नहीं है जो तुम्हारे पीछे जुड़ती चली जाएगी। अरे अंकित सर ने हमें वादा कराया कि हमको लाख रुपए का चेक आना है इस महीने। अरे उनके पास तो उनका कोट खुद का साइज का नहीं है, वो तुमको लाख रुपया कहाँ से देंगे? और अंकित सर आए काय से थे सेमिनार में? अंकित सर तो ऑटो से आए थे, डाउन टू अर्थ होंगे। अरे नंगा है वो, डाउन टू अर्थ नहीं है। अरे ऐसा ना बोलो, हमने अब्बा का BP और शुगर चेक करने वाली मशीन बेच के 8,000 रुपया जमा करा। अब का होगा? अब का ही होगा, जिस दिन BP बढ़ेगा उस दिन तुम्हारा अब्बा खत्म होगा। सबर कर, कोड भी आएगा। अगर नेटवर्क मार्केटिंग और अंकित सर नहीं होते तो मैं रंडवा गरीब ही मर जाता। अब क्या करना, बस दो लोग तो जुड़ ले। हेलो जय, बात कर रहा हूँ। अरे कितनी बार तुझे बता दिया मेरे पास कोई काम ना भैया, मेरी खुद की नौकरी चली गई। अजय मैंने काम मांगने के लिए नहीं बल्कि काम देने के लिए फोन लगाया है। मैं तेरे साथ काम कर तो लेता मगर अब्बा ने कोठे पे नाचने को मना कर दिया। अजय कोठा नहीं मेरे दोस्त, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली तेरे भाई ने। ना घेर लिया बहरूपियों ने, कितनी बार मना करा तो सब फटोरी सेट मत पहन के घूमे कर रोड पे। बहरूपिया नहीं, अंकित सर के सेमिनार में गया था मैं और इतना डाउन टू अर्थ बंदा है, बिल्कुल घमंड नहीं है। मतलब एम साइज के आदमी ने XXL साइज का कोट पहन रखा था। सर डाउन टू अर्थ ना कहे बेटे, तुम्हारे सर की जिंदगी गुर्बत में कट रही है, गुर्बत में। अरे हट, बहका रहा है, कोई दूसरा देखते। हेलो सोनू। हाँ। अगर मैं तुझको बोलूं कि तू महीने में 1,00,000 रुपए कमा सकता है तो? काश तेरे कुत्ते के काटते इंजेक्शन लग जाते तो तू आज बौराता नहीं। अजी अजी हम बौराए नहीं है, हमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली। ये तो एक दिन होना ही था, अब क्या कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि इंजेक्शन भैये तेरे बहुत लेट हो गए थे। लग रहा फंस गए 8,000 रुपए। हेलो नमस्कार सर, मैं फेयरटेल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। सर आपके मोबाइल पे रिचार्ज खत्म हो गया है सर। अरे कमाल बात हो गई, तुमको कौन बताया? अरे सर हम कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं, 15 दिन हो गए आपका रिचार्ज खत्म हुए, आपको कोई दिक्कत आ रही है सर? अरे दिक्कत बहुत है यार, पित्ते में पथरी है, डॉक्टर पित्ता निकालने को बोल रहे। अरे ये थोड़ी बोल रहे, तुम सोचो हमारे गुर्दे में पथरी होती साला गुर्दा निकाल देते हैं। सर रिचार्ज कराने में कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको? अरे रिचार्ज कराने में कोई दिक्कत नहीं है, रिचार्ज तुम बेटेंशन करा दो हमारे मोबाइल। अरे हम नहीं कराएंगे, वो तुमको खुद ही कराना पड़ेगा। अरे तो फिर तुमने हमको फोन क्यों करा, ये तो बताओ। सर हम बता रहे हैं आपको कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया। अरे बहुत बढ़िया आदमी हो यार, यहाँ हमारा चाचा 7 बीघा जमीन दाब गया, हमको नहीं बताया। और एक तुम हो यार कि सबको बता रहे हो तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो गया, जबकि उनको पहले से पता है। अरे सर ये हमारा काम है सर। बुरा ना मानना, बहुत जलालत भरा काम है बेटा, छोड़ दो। सर पेट के खातिर करते हैं हम ये। अरे इससे अच्छा तो भूखा मर जाओ तुम। आप देखिए हमने इस तरीके से बात। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारी पत्नी के जबान में पथरी हो जाए तो जबान निकाल देंगे का? जबा जबा करते हुए कितनी अच्छी लगेगी। हेलो नमस्कार सर, मैं फेयरटेल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? अरे उस लौंडिया से बात करा हमारी जो हमको 20 दिन से फोन कर रही है। अरे कौन सी लौंडिया ने तुम्हें फोन करा है? अरे रमेशा वो लौंडिया हमारे पीछे ऐसे पड़ गई है जैसे किसी ने कुत्ते छोड़ दिए हूँ। खाना खा रहे तो रिचार्ज करा लो, टॉयलेट में बैठे उधर प्रेशर नहीं आ रहा, चौथी बीड़ी पे नंबर लग गया और वो फोन करके कह दी सर आप अपनी छिम पे रिचार्ज कर लीजिए। अरे जब आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा सर तो हमें आपको बताना पड़ता है सर, ये हमारा काम है आपके लिए। अरे ना हमने रखा तुझे काम पे। आए देख फिर रमेश आए कर रहा है। अरे चाचा हमको दुला फोन, अरे कट्टूमर अब फोन नहीं आना चाहिए। रमेशा मैं बाबू, तुमको दिक्कत क्या है फोन से ये बताओ हमको। अरे इतना तो थलकती भैंस ओए ओए नहीं करती है जितना तुम रिचार्ज के लिए फोन करते हो। अरे अगर तुम सिम पे रिचार्ज नहीं कराओगे तो तुम्हारी सिम बंद हो जाएगी। और अगर तुम्हारा रिचार्ज के लिए फोन आया तो अब हम सिम तोड़ देंगे। अरे ये काम ना कराओ तुम हमसे, नंगा ना चलो चौराहे पे यार।